साथियों, टैली चैप्टर 34 की सॉल्व्ड असाइनमेंट लेकर के मैं राजीव मिश्रा, ये असाइनमेंट आपका रीऑर्डर लेवल के ऊपर है। मैंने आपको अपने चैप्टर में रीऑर्डर लेवल अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसी को रिवाइज करने के लिए हमने ये असाइनमेंट आपके लिए तैयार किया था। अब आपके आंसर्स को हमारे आंसर से मैच करने की बारी है। पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह स्टेट ट्रू और फॉल्स रहेगा। 1.1 मेंटेन रीऑर्डर लेवल ऑप्शन मस्ट बी सेट यस इन F11। साथियों, ये आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रीऑर्डर लेवल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन F11 में आपको नहीं मिलता है। इसका और सही जवाब 1.2 में नीचे आपको मिल रहा है। ऑर्डर प्रोसेसिंग वाउचर्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट्स प्री ऑर्डर लेवल, ट्रू हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर जब आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के वाउचर को एक्टिवेट करते हैं सेल्स और परचेज ऑर्डर को, तो आपका री ऑर्डर लेवल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। 1.3 री ऑर्डर लेवल स्टार्ट शोइंग वार्निंग इफ स्टॉक इज बिलो। री ऑर्डर लेवल में आपने एक क्वांटिटी फिक्स कर दी, फॉर एग्जाम्पल 50 पीसेस का। अब आपका स्टॉक अगर 50 पीस से कम हो जाता है तो क्या टैली आपको वार्निंग शो करने लग जाएगा? फॉल्स, यहाँ कोई वार्निंग नहीं आती है। साथियों, 1.4 बिलो री ऑर्डर लेवल क्वांटिटी टैली विल ऑटोमेटिक प्लेस परचेज ऑर्डर टू सप्लायर, फॉल्स हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है जिसमें बिलो क्वांटिटी होते ही ऑटोमेटिक पीओ सप्लायर के पास जनरेट हो जाता है या हमारे पास एक वाउचर एंट्री पीओ की हो जाएगी, फॉल्स रहेगा। 1.5 री ऑर्डर स्टेटस इज अवेलेबल इन इन्वेंट्री बुक्स ऑप्शन, फॉल्स। री ऑर्डर स्टेटस आपको गेटवे ऑफ टैली पर डिस्प्ले, उसमें स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और उसमें री ऑर्डर लेवल आता है, मतलब DER से आप वहां पहुंच सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए था, इन्वेंट्री बुक्स नहीं, तो ये आंसर आपका फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ 2.1 बहुत सिंपल है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट की कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं रीऑर्डर स्टेटस के लिए। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आप DER डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री एंड रीऑर्डर स्टेटस लेते हैं, तो ऑप्शन सी DER सही जवाब। 2.2 रीऑर्डर लेवल ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश, रीऑर्डर लेवल ऑप्शन आपको मिलता है ए इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। जब आपको रीऑर्डर लेवल तैयार करना होता है तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर इन्वेंट्री इन्फो में जाना चाहिए। साथियों, 2.3 मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी इज द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, यस। मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी जो आप सेट करते हैं वो एक तरीके से हमारे परचेज ऑर्डर, नेक्स्ट परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी ही होती है, तो ये ऑप्शन ए सही जवाब। कैन वी ऑल्टर रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक आइटम, ऑप्शन ए यस। साथियों, आमतौर पर आप उतनी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जितना आपको चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन साथियों हम चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा वर्क करें अपने असाइनमेंट के साथ में, कुछ नई चीज़ें भी आप सीखें। इसके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे जो आपके चैप्टर में नहीं बताए गए लेकिन असाइनमेंट में आपसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब। 2.5 पर आते हैं कि कौन सा की आप इस्तेमाल करेंगे रीऑर्डर स्टेटस को प्रिंट करने के लिए।
हमारे कई साथियों ने रीऑर्डर स्टेटस पर जाकर प्रिंट कमांड चेक किया पहली बार, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं, उन्होंने चेक किया नहीं। तो कई बार हमें रीऑर्डर स्टेटस का प्रिंट लेना होता है तो हम सी ऑल्ट पी रेगुलर प्रिंट की शॉर्टकट की है उसका प्रयोग करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। राइट द रीऑर्डर लेवल प्रोसेस फॉर एनी स्टॉक आइटम। एक स्टॉक आइटम के लिए रीऑर्डर लेवल आप किस तरीके से तैयार करेंगे, वो स्टेप प्रोसेस आपको लिखना है। प्रैक्टिकल टास्क थोड़ा सा बड़ा है आपके लिए। इसमें साथियों आपको यहाँ पर रीऑर्डर लेवल की प्रैक्टिस कराई गई है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कीबोर्ड तैयार करना है, जिसका रीऑर्डर लेवल आपको 12 पीस का मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी रखना है। रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी 12 और नेक्स्ट परचेज ऑर्डर के लिए 24 रखेंगे। आपने एक पार्टी को 1 अगस्त को परचेज ऑर्डर दिया 24 कीबोर्ड के लिए IIPL इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर का वाउचर बनेगा, फिर रिसिट नोट का बनेगा और रिजेक्शन आउट का वाउचर बनेगा। उसके बाद में परचेज हो जाएगी, फिर आप सेल्स करेंगे और फिर जब आप अपना रीऑर्डर स्टेटस चेक करेंगे तो साथियों रीऑर्डर स्टेटस को आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो साथियों बताना ना भूलिए, आपको ये टैली असाइनमेंट वीडियोस कैसी लग रही है, क्या वाकई में आपकी हेल्प कर रहा है। चलिए, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं तो अपने साथियों को बताइए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं।